एक शादी करेगा, दो शादी करेगा, तीन शादी करेगा, चार शादी करेगा। अरे भाई, दस बच्चा जन्म दीजिए, बारह बच्चा जन्म दीजिए, ये तो बच्चा बनाने वाला मशीन जैसा बातें हो जाते हैं। अगर हमारा पार्टी पावर में आते हैं तो हम कर्नाटक में यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करेगा। ये एक बहुत बड़ा वादा हमारा पार्टी ने किया है। भाई और बहनों, आप खुद बोलिए कि आज देश का इतना विकास हुआ है, देश का इतना तरक्की हुआ है कि ये जरूरी है कि एक एक मर्द सार सार शादी करना चाहिए। आज आप मुस्लिम समाज में देखिए, हर कोई नहीं करता है, लेकिन आप देखिए उनका बेटी का हालत। एक हस्बैंड एक शादी करेगा, दो शादी करेगा, तीन शादी करेगा, चार शादी करेगा। अरे भाई, जब दो बच्चा जन्म होता है, तीन बच्चा जन्म होता है, हमें घर में खुशी होता है। लेकिन एक महिलाओं को अगर आप बोलता है कि आप 10 बच्चा जन्म दीजिए, 12 बच्चा जन्म दीजिए, ये तो बच्चा बनाने वाला मशीन जैसा बातें हो जाते हैं। हमारा मुसलमान समाज का बेटियों का ये हालत है, कोई स्वाधीनता नहीं है। हिजाब पहनो, कॉलेज में जाओ, स्कूल में जाओ, हिजाब पहनो, आपको बुला जाएगा। आप ऐसा व्यक्ति में शादी करो जो पहले उनका दो बीवी घर में ऑलरेडी है, तीन बीवी घर में ऑलरेडी है। अरे बाबा, ऐसे भी देश चलता है? तो इसीलिए हमें ये बोलना है कि हमारा सरकार आएगा, हम देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, एक लोग खाली एक लड़की को शादी करेगा और डाइवोर्स नहीं करेगा तो दूसरा को शादी करने का अनुमति नहीं मिलेगा।